हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पेबैक मेथड। ओके, पेबैक मेथड जो है वो कैपिटल बस्टिंग की सेकंड टेक्निक है, ठीक है। और अभी तक हम एक टेक्निक को फिनिश कर चुके हैं जिसका नाम था एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ओके, उसके हम सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी कर चुके हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेबैक मेथड। ओके गाइस, तो आइए देखते हैं पेबैक मेथड क्या होता है। तो हम पहले लिखेंगे पेबैक पीरियड means the period over which initial outlay या फिर initial capital invested, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ initial capital invested। इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टेड, ब्रैकेट में लिख लो आप कैपिटल आउटले। ओके, इज रिकवर्ड बैक। ओके गाइस, तो आइए अब इसको समझते हैं कि क्या लिखा है और पेबैक मेथड क्या होता है। पेबैक मेथड जो है वो सेकंड मेथड है, ठीक है ना। और पेबैक मेथड क्या होता है गाइस, जो पैसा हम लगाते हैं उसको बोलते हैं आउटफ्लो, ठीक है। जो पैसा हमने लगाया वो कहलाता है हमारा आउटफ्लो, और उसके ऊपर जो हमें थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में अमाउंट मिलती है उसको हम बोलते हैं इनफ्लो। क्लियर है? आउटफ्लो और इनफ्लो। आउटफ्लो जो होती है वो क्या होती है, जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसको आउटफ्लो और आउटले भी बोलते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, और जो थोड़े थोड़े टाइम पीरियड पे जो हमें अमाउंट मिलता है उस पर उसको हम बोलते हैं इनफ्लो। क्लियर है? तो पेबैक मेथड जो है वो क्या होता है, एक पीरियड होता है, मतलब एक समय होता है, एक ऐसा समय है जिसमें हम देखते हैं कि जो पैसा हमने लगाया है, मतलब जो हमारा आउटफ्लो है, ठीक है। आउटफ्लो मतलब जो पैसा हमने लगाया है, आउटले या फिर आउटफ्लो एक ही बात होती है, जो पैसा हमने लगाया है वो हमें कब तक रिकवर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये बेसिकली जो पेबैक मेथड है ये एक लड़ाई है किसके बीच, इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो के बीच। ओके, इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो। इस मेथड में हम ये देखते हैं कि जो हमारा आउटफ्लो, जो पैसा हमने लगाया है, वो हम कब तक रिकवर कर लेंगे अपने इनफ्लो से। क्लियर हुआ? जैसे ये एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, और यहां पे हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं आउटफ्लो या फिर आउटले, ठीक है। यहां पे हमने इन्वेस्ट किया जैसे कि 80,000 रुपए हमने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट हमें थोड़ा थोड़ा टाइम पीरियड पे कुछ ना कुछ देता है, उसको हम बोलते हैं इनफ्लो, ठीक है। अब ये हमें इनफ्लो देता है थोड़े थोड़े टाइम पीरियड पे, और जो इनफ्लो होते हैं वो लगभग 45,000 के होते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हम पेबैक मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पेबैक मेथड में हम देखते हैं कि जो पैसा हमने लगाया है 80,000 रुपए यानी कि आउटफ्लो, वो पैसा कम मेरी जो भी इनफ्लोज है उनको कवर अप कर लेगा। क्लियर है? मतलब जो 80,000 रुपए हमने लगाया है वो कब मेरी इनफ्लो मुझे लौटा देगी, वो कब मेरा इनफ्लो जो पैसा है वो आउटफ्लो पर चढ़ जाएगा, हमारी जो इनफ्लो है वो आउटफ्लो पे चढ़ जाएगी। ये बेसिकली एक लड़ाई है इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो की, हमारी जो इनफ्लो है वो कब हमारे आउटफ्लो को टाक देती है। क्लियर हुआ? जैसे 45,000 और 45,000 कितने हो जाएंगे, 90,000। तो यानी कि 2 साल, फर्स्ट और सेकेंड, 2 साल में हमारी जो इनफ्लो है उसने हमारी आउटफ्लो को हरा दिया, टाक दिया, उसको हरा के उसके ऊपर चढ़ गई, ठीक है।
तो यानी कि इस वाले मेथड में हमें बस यही देखना होता है कि कब हमारा जो आउटफ्लो है, जो हमने पैसा लगाया है, वो कब तक हमारी जो इनफ्लोज है वो उसको हमें रिटर्न कर देती है। क्लियर हुआ गाइस? तो यानी कि पे बैक मैथड जो है ना, उसमें हम जो डिसीजन लेते हैं वो हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लेते हैं कि कब तक, यानी कि कितने समय में, कितने साल में हमारा जो पैसा हमने लगाया, जो हमारा आउटफ्लो है, वो हम अपने इनफ्लो से रिकवर कर लेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए जो हमने लिखा था, अब इसको पढ़ते हैं क्या लिखा था। पे बैक पीरियड मीन्स, पे बैक पीरियड मीन्स, पे बैक जो मेथड है उसका मतलब है द पीरियड ओवर विच इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टेड, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टेड मीन्स आउटले, कैपिटल आउटले या फिर आउटफ्लो, ठीक है, इज रिकवर्ड बैक, इज रिकवर्ड बैक। समझ में आया? पे बैक मैथड जो होता है, इसके नाम से समझ में आ रहा है, पे बैक, जो पैसे हमने प्रोजेक्ट में लगाया है वो हम कब तक रिकवर कर लेंगे अपनी इनफ्लो से कम इतना पैसा तो हमने रिकवर कर ही लिया। एक प्रोजेक्ट है, आपने उसमें 500 रुपए लगाए और वो प्रोजेक्ट आपको थोड़े थोड़े समय पे कुछ ना कुछ देता है, जैसे कि 200 रुपए ऐसे करके कुछ देता है, तो आप अपने 500 रुपए कब तक रिकवर कर लोगे? तीसरे साल तक, क्योंकि पहले में 200 दिया, दूसरे में 200 दिया और तीसरे साल में 600 रुपए दिया। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपने 2 और 3 साल के बीच में अपने 500 रुपए रिकवर कर लिए। ठीक है, तो मतलब हमें इस मेथड में जो डिसीजन लेते हैं वो कैसे देख के लेना है कि हम कितने टाइम पीरियड में, कितने समय में अपने लगाए हुए पैसे को रिकवर कर लेते हैं अपनी इनफ्लो से। क्लियर हुआ? अब देखिए, अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसमें हम 2 साल में पैसा रिकवर कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कोई प्रोजेक्ट होता है हमारा और उसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम 2 साल में अपने अमाउंट को रिकवर कर लेते हैं, और एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन उसमें हम अपना पैसा 5 साल में रिकवर करते हैं। ठीक है, 2 प्रोजेक्ट है इस वक्त आपके पास, एक ऑप्शन दे रही हूं मैं आपको, आपको बताना है कि आप इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट टेकअप करेंगे, किसके लिए डिसीजन करेंगे। 2 प्रोजेक्ट है आपके पास, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि आपको 2 साल में अपना पैसा वापस कर देगा आपका, लेकिन उस पर रिटर्न जो होगा ना, जो आपको मिलेगा वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, और एक प्रोजेक्ट और है आपके पास ऑप्शन में, प्रोजेक्ट बी। उसमें क्या है कि जो भी पैसा आप लगाओगे वो आपको 5 साल में रिटर्न होगा, लेकिन उसका रिटर्न बहुत ज्यादा होगा, मतलब उस पर जो रिटर्न होगा लगभग 20% होगा, और जो आप 2 साल के पैसे लगाओगे वो केवल 2% होगा। ठीक है, लेकिन जो पैसा आप लगाओगे, जो आपका आउटफ्लो होगा, वो 2 साल के प्रोजेक्ट में बहुत जल्दी से आप रिकवर कर लोगे, और जो 5 साल का प्रोजेक्ट है, 5 साल का जो प्रोजेक्ट है उसमें आप जो पैसा लगाओगे आपको मिलेगा तो बहुत कुछ, लेकिन वो पैसा आपको जल्दी से रिकवर नहीं होगा, 5 साल लगेंगे उसको रिकवर करने में। ठीक है, तो आप ऐसे में कौन सा प्रोजेक्ट टेकअप करोगे, 2 साल वाला जिसमें आप पैसा फटाफट से रिकवर कर लोगे, या 5 साल वाला जिसमें आप पैसा 5 साल तक के लिए रिकवर कर पाओगे, जिसमें आप पैसा 5 साल बाद रिकवर कर पाओगे, कौन सा प्रोजेक्ट टेकअप करोगे? जो प्रोजेक्ट ए है वो बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं देता, लेकिन ठीक ठाक रिटर्न दे देता है 2% के हिसाब से, और जो प्रोजेक्ट बी है, मतलब जो 5 साल वाला प्रोजेक्ट है, उसमें आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल जाता है, लगभग 20% रिटर्न मिल जाता है, लेकिन उसमें 5 साल तक पैसा लगाना पड़ेगा, तो कौन सा प्रोजेक्ट आप टेकअप करना सही समझेंगे बताइए? पता है, ऐसे में आप लोग 2 साल वाला प्रोजेक्ट टेकअप करेंगे, क्योंकि 2 साल तक के लिए आप पैसा लगाएंगे, कोई बात नहीं उसमें आपको रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन 2 साल तक के लिए लगाएंगे ना केवल, उसके बाद हम उस पैसे को दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी और प्रोजेक्ट में, पैसा खाली करना बहुत जरूरी है ताकि हम उसको कहीं और लगा सके। और अगर 5 साल के प्रोजेक्ट में आपने पैसा फंसा दिया, पता चला जो पैसा आपको मिला है उसकी जो वैल्यू रह गई है वो लगभग उतनी ही रह गई है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं पढ़ा क्या आपने? तो मैं आपको ये बात समझाना चाहती हूँ कि हम जो पे बैक मैथड पे डिसीजन लेते हैं वो कैसे लेते हैं, कि उस प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड कम हो, मतलब प्रोजेक्ट हमारा जल्दी से जल्दी पैसा लौटा दे, इस बेस पे हम डिसीजन लेते हैं इस मेथड में। ओके गाइस, कि मतलब अगर हम कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं और अगर हम पे बैक मेथड से डिसीजन ले रहे हैं, तो हम उसमें यही देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमें पैसा कम से कम पीरियड में रिटर्न कर दे। ओके गाइस, क्लियर है? तो पहले एक काम करिए, एक नोट लिखिए, लिखिए व्हाइल कैलकुलेटिंग पेबैक पीरियड
इनफ्लो इज कंसीडर इनफ्लो इज कंसीडर टू बी अकरिंग इवेंटली ड्यूरिंग द ईयर। तो आइए ये बात हमने क्या लिखी है इसको समझते हैं। कह रहे हैं वाइल कैलकुलेटिंग पेबैक पीरियड, अगर हम पेबैक पीरियड को कैलकुलेट करते हैं उस टाइम हम क्या ध्यान रखते हैं, इनफ्लो इज कंसीडर टू बी अकरिंग इवेंटली ड्यूरिंग द ईयर। ओके, देखिए क्या कहना चाह रहा है पॉइंट। वाइल कैलकुलेटिंग पे बैक पीरियड इनफ्लो इज कंसिडर टू बी अकरिंग इवेंटली ड्यूरिंग द ईयर। इवेंटली ड्यूरिंग द ईयर का मतलब यहाँ पे है, मतलब जो हमारे इनफ्लोज है ना वो अकर होते हैं इवेंटली ड्यूरिंग द ईयर। ओके, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। जब हम कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें हम पैसा लगाते हैं, तो अगर जैसे यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया 45,000 रुपये, आउटले हो गया ये हमारा, आउटले या फिर आउटफ्लो हो गया, और ये पैसा अब मुझे थोड़े थोड़े समय पे कुछ ना कुछ देता है। जैसे ये मुझे पहले साल 20,000 रुपये देता है। अब जरा ये बताइए जो ये 20,000 रुपये दे रहा है ये इस डेट के दे रहा है या फिर इस टाइम पीरियड के दे रहा है। जो 20,000 रुपये हमारा इनफ्लो आया है ये कब अकर हुआ है, इस पीरियड के बीच में अकर हुआ है या फिर इस दिन अकर हुआ है। इस पीरियड के बीच में हुआ है, इस पीरियड में हमें 20,000 रुपये मिले हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना। पर अभी हम जो भी मेथड करते हैं, जैसे कि हमने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड किया या फिर अभी हम आगे एनपीवी और पीआई मेथड करेंगे, उसमें हम मानते हैं कि हमारी जो इनफ्लो होती है वो अकर होती है एट द एंड ऑफ द ईयर। यस, हर साल के अंत में ही हमारी इनफ्लो आती है, ऐसा नहीं मानते कि हर टाइम पीरियड के इसके बीच में आती रहती है। पता है अगर ऐसा होता ना तो उस पैसे की वैल्यू निकालने में हमारी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अगर इस पीरियड में आता रहता है तो एक दिन की वैल्यू उसकी क्या रही होगी, दूसरे दिन की वैल्यू क्या रही होगी, तीसरे दिन की क्या रही होगी, क्योंकि हर टाइम पैसे की कीमत चेंज होती रहती है, पता है ना। अगर ऐसे एक साल की हम वैल्यू निकालेंगे तो 365 दिन होते हैं एक साल में, तो 365 बार कैलकुलेट करते रह जाएंगे हम उसको। तो इसलिए जो बाकी के पे बैक से दूसरे जो मेथड है, पे बैक से जो अलग मेथड है, हालांकि हमने अभी वो नहीं कर रहे हैं, हमारा एनपीवी और पीआई वगैरह भी रहता है, फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ कि जो बाकी के मेथड होते हैं, मतलब पे बैक से अलग जो मेथड होते हैं, उन सब में हम मानते हैं कि हमारी जो इनफ्लो है वो अकर होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, अंत में ही मांगते हैं हम, साल के अंत में ही मानते हैं कि हमारी इनफ्लो आई है। हम ऐसा नहीं मानते कि इसके बीच बीच में पीरियड में आती रहती है हमारी इनफ्लो, हम मानते हैं कि साल के अंत में आई है। ठीक है, नहीं आया समझ, एक बार दोबारा देखिए। जैसे कोई प्रोजेक्ट है और वो हमें साल में 1200 रुपये देता है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट है साल में 1200 रुपये देता है, तो हम अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या फिर एनपीवी या फिर पीआई मेथड करते हैं तो उसमें मानते हैं कि 1200 रुपये हमें कब आते हैं, साल के अंत में आते हैं। ठीक है, अब हम पेबैक मेथड के अकॉर्डिंग सोचते हैं। पेबैक मेथड में क्या होता है, हमारे साल के 1200 रुपये आते हैं, ठीक है, तो अब साल के 1200 रुपये आते हैं तो साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो एक महीने के कितने हो गए, 100 रुपये। तो देखिए 1200 रुपये पूरे साल भर के हैं और एक महीने के 100 रुपये हैं, तो 6 महीने के, तो 600 रुपये हमारे कब तक आ चुके होंगे, 6 महीने तक आ चुके होंगे। यानी कि इसमें हम मानते हैं कि हमारी जो इनफ्लोज है ना वो इवेंटली ड्यूरिंग द ईयर आती रहती है, मतलब ऐसे ही बीच बीच में आती रहती है। ठीक है, मतलब 1200 रुपये में 600 रुपये हमारे 6 महीने में आ गए होंगे, 300 रुपये हमारे 3 महीने में आ गए होंगे। बट अगर यही हम 1200 रुपये अगर एनपीवी या पीआई मेथड के अकॉर्डिंग जज करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे 1200 रुपये चाहे 600 चाहे 300 पूरे के पूरे अंत में ही आते हैं साल के। 300 रुपये कब आए थे, साल के अंत में ही आए थे। ठीक है, एनपीवी और पीआई जो मेथड है उसमें हमारी जो इनफ्लोज होती है वो एट द एंड ऑफ द ईयर ही अकर होती है। बट पेबैक मेथड ऐसा है जिसमें हम ये एज्यूम करते हैं, मतलब हम मानते हैं ऐसा है कि हमारा जो पैसा है ना वो पैसा हमारा इवेंटली ड्यूरिंग द ईयर अकर होता रहता है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया।
मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारी जो इनफ्लोज है वो अक्रिंग होती रहती है इवनली ड्यूरिंग द ईयर। इवनली ड्यूरिंग द ईयर का मतलब यही है कि हम मानते हैं कि जो साल भर का पैसा है हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 1200 रुपए अगर है तो 6 महीने में 600 रुपए आ गए हैं हम ऐसा मानते हैं, 3 महीने में 300 रुपए आ गए हैं ऐसा मानते हैं। बट अगर यही एनपीवी और पीआई के अकॉर्डिंग हम सोचे तो हम ऐसा नहीं मानते, हम मानते हैं कि हमारी जो इनफ्लो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर ही आती है। मतलब अगर 600 रुपए भी आए हैं तो साल के अंत में ही आए हैं, 300 रुपए भी आए तो वो साल के अंत में ही आए हैं, और 1200 रुपए भी अगर आए हैं तो वो भी अंत में ही आए हैं। ठीक है, तो ये फर्क है बाकी के मेथड में और इस मेथड में। ठीक है, तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा था कि वाइल कैलकुलेटिंग द पे बैक पीरियड इनफ्लो इज कंसीडर टू बी अकरिंग एट द इवेंटली ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर हुआ कि पे बैक मैथड क्या होता है? पे बैक मैथड जो होता है वो इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच की एक लड़ाई होती है, उसमें हम जानते हैं कि हमारी जो पैसा हमने लगाया है हमारा जो आउटफ्लो है वो कब तक हम अपने इनफ्लो से रिकवर कर लेंगे। और अगर हम पे बैक मैथड के बेस पे डिसीजन लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हम जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं वो कम से कम टाइम पीरियड का हो जिसमें हम अपने पैसा जल्दी से रिकवर कर सके। इसमें हम ये देखते हैं कि कब तक, कितने टाइम में, कितने सालों में हम अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। कौन सा पैसा? जो पैसा हम लगा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? आउटफ्लो बोलते हैं या फिर आउटले भी बोलते हैं। ठीक है, तो कब तक रिकवर करेंगे, कितने सालों में रिकवर कर लेंगे? जितना पैसा हमने लगाया कम से कम वो हमने 2 साल 3 साल में रिकवर कर लिया है। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि हमारा जो आउटफ्लो का पैसा है वो हम कब तक रिकवर कर लेंगे, किससे रिकवर करेंगे? अपनी इनफ्लो से रिकवर करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी अब मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाती हूँ कि इसमें हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो अभी थ्योरेटिकल पोर्शन था, मैंने आपको समझा दिया क्या होता है कैसे होता है, और पेपर में तो हमारे क्वेश्चन आएंगे इस पे, तो हम इसके अब क्वेश्चन देखते हैं। एक एग्जांपल मैं दूंगी अपने पास से और फिर देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखेंगे कि पे बैक मैथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, पे बैक मैथड के जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम देखेंगे कि हमें एक आउटफ्लो गिवन होगा और हमें इनफ्लोज गिवन होंगे। इनफ्लो हमें गिवन होंगे और आउटफ्लो गिवन होगा कि हमने इतना पैसा लगाया और इस तरीके से हमारे इनफ्लोज होते हैं। ठीक है, और फिर इसको हम देखेंगे कि जो हमारा आउटफ्लो है वो हमें कब तक रिकवर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। जो भी हमें इनफ्लोज दिए होंगे ना, कैश इनफ्लोज जो हमें दिए होंगे उसको हम यहाँ पे बोलते हैं कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, इस तरीके से बोलते हैं, CFAT। ठीक है, अभी CFAT क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये CF तो कैश फ्लोज हो गए, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। इस AT का मतलब है आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, तो यानी कि हमें जो कैश फ्लोज चाहिए वो कैसे होने चाहिए? कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन होने चाहिए। ठीक है, और ये आपको पता ही है कि बिफोर डेप्रिसिएशन कैसे आ जाता है, मैंने आपको करवा रखा है ये। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। क्लियर हुआ, तो हमें यानी कि ये वाला चाहिए होता है, हमें कैश फ्लोज चाहिए होता है आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन वाला, इसको हम बोलते हैं CFAT। CFAT में इंक्लूड है ये बात, आफ्टर टैक्स है तो बट बिफोर डेप्रिसिएशन होगा ही। ठीक है, इसमें इंक्लूड है ये वाली बात। एक और देखोगे आप बुक में एक वर्ड और लिखा रहता है CFBT। CFBT का मतलब होता है कैश फ्लोज बिफोर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब होता है कैश फ्लोज बिफोर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन, यहाँ पे दोनों ही मतलब बिफोर वाले हैं। ठीक है, बिफोर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। क्लियर हुआ, तो इसको हमें यहां तक ड्राइव करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल सही कहा, ड्राइव करना पड़ेगा यहां तक, जैसे हमने भी पहले क्वेश्चन में किया था ना, हमें ड्राइव करना पड़ता था उसे, अगर उसमें से टैक्स या डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होता था तो हमें करना पड़ता था। ऐसे ही इसमें अगर हमें CFBT यानी कि कैश फ्लोज जो दिए होंगे वो बिफोर टैक्स या बिफोर डेप्रिसिएशन दिए होंगे, तो हम क्या करेंगे? पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर टैक्स माइनस करेंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड कर देंगे। जब वापस से ऐड कर देंगे तो बन जाएगा CFAT, CFAT बन जाएगा ना, क्योंकि वो क्या होगा? कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो अभी दोबारा से ऐड कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा? वो बिफोर डेप्रिसिएशन, और उसको हम बोलेंगे CFAT। क्लियर हुआ, तो उसका मतलब हमें ये वाली चीज यूज करनी है, ये वाली चीज।
ठीक है, दो चीजें होंगी सीएफबीटी और सीएफएटी। अब ये तो आपको छोटी सी बेसिक बात होगी जो मैंने बता दी। एक बात और, जब हम पेबैक मेथड से क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम इस वाली चीज का सीएफएटी का, उसका हम क्यूमुलेटिव सीएफएटी बनाएंगे। क्यूमुलेटिव सीएफएटी का मतलब होता है जैसे कि आपने सीएफ बनाया होगा, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाया कभी, जो हम फ्रिक्वेंसी हमें गिवन होती है जब हम क्वेश्चन करते हैं कौन से वाले स्टैटिस्टिक्स के, उसमें हमें फ्रिक्वेंसी गिवन होती है, हम उस फ्रिक्वेंसी की मदद से सीएफ बनाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाते हैं ना, तो वही सेम इसमें हमें करना है। जैसे हमें सीएफएटी गिवन है तो यानी कि वो फ्रिक्वेंसी हो गई और उसका हमें सीएफ बनाना है। कैसे बनाते हैं सीएफ, याद है ये भूल गए, 5 3 9 ऐसे लिखा तो कैसे बनाएंगे, 5 ऐसे ही, 5 में 3 जोड़ो 8 आ गया, 8 में 9 जोड़ो क्या आएगा 17, ऐसे करके हम सीएफ बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है, क्लियर हुआ, कैसे बनाना है, जो हमें सीएफएटी गिवन होगा उसका क्यूमुलेटिव सीएफएटी बनाना है। जैसे अगर सीएफएटी हमें गिवन है 3 5 10 इस तरीके से, तो उसको हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव सीएफएटी और बनाएंगे जैसे ये बनाया है। समझ में आया कैसे करना है? अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल की मदद से करवाती हूँ, फिर आप क्लियर हो जाएगा कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन हम अपने पास से ले लेते हैं कि एक प्रोजेक्ट है, अ प्रोजेक्ट रिक्वायर इनिशियल आउटले। समझ में आ गया क्या होगा? आउटफ्लो होगा हमारा, ठीक है। तो इनिशियल आउटले यानी कि आउटफ्लो कितना है हमारा, 500 रुपए है हमारा आउटफ्लो, ठीक है। एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट, अब वो जनरेट करेगा क्या, हमारे इनफ्लोज जनरेट करेगा, तो क्या लिखेंगे, टू जनरेट कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। इसमें इंक्लूड है ये वाली बात, ठीक है ना, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन में हमें सीएफएटी गिवन है, इसका मतलब होता है कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, और वो हमें गिवन है, ले लेते हैं यहां पे लिख देते हैं, टू जनरेट कैश फ्लोज आर एज फॉलोज, ठीक है, कैलकुलेट दी पे बैक पीरियड। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन हमने अपने पास से ले लिया, इसमें हमें क्या कह रहा है कि आउटले लगा रहा है वो 500 रुपए, यानी कि आउटफ्लो कितना है 500 रुपए, और हमें जो कैश फ्लोज यानी कि जो हमें इनफ्लोज हमें गिवन है वो कैसे हैं, आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन वाले, यानी कि सीएफएटी, और हमें यही चाहिए होता है सीएफएटी। अगर हमें किसी वजह से सीएफबीटी दिया हुआ है यानी कि बिफोर टैक्स या बिफोर डेप्रिसिएशन वाला दिया हुआ है, तो उसको हमें ड्राइव करना पड़ेगा सीएफएटी तक, ठीक है। तो अभी तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया सीएफएटी, तो हम इसको ही सॉल्व कर लेंगे, इसी से सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने कहा था हम इसका क्यूमुलेटिव बनाएंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे ईयर गिवन है हमें 1 2 3 4 5, 5 साल का प्रोजेक्ट है, इनफ्लोज हमें गिवन है, और ये इनफ्लोज कैसे हैं, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन वाले, और हमें यही चाहिए क्योंकि हम इसको बोलते हैं सीएफएटी, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो ये हमें जो इनफ्लोज गिवन है यही गिवन है सीएफएटी वाले, अगर ये किसी वजह से बिफोर टैक्स और बिफोर डेप्रिसिएशन वाले होते तो हम इसको सीएफएटी बनाते, ठीक है। तो जो हमें इनफ्लोज गिवन है कौन से है, वो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन वाले, और हमें यही चाहिए, ठीक है। अब मैंने कहा था हम कैसे सॉल्व करेंगे, इतना क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, किसी वजह से अगर क्वेश्चन में सीएफबीटी गिवन होगा तो हम इसको सीएफएटी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जो आप सीएफएटी बना लेंगे, यहाँ पे तो सीएफएटी डायरेक्ट गिवन है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में हमें सीएफबीटी गिवन होगा मतलब बिफोर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन होगा, तो हम उसको हम सीएफएटी बनाएंगे। सीएफएटी आने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें क्यूमुलेटिव बनाएंगे, क्यूमुलेटिव सीएफएटी, क्यूमुलेटिव सीएफएटी, क्यूमुलेटिव सीएफएटी बनाएंगे, मतलब इसको सीएफ की तरह ट्रीट करेंगे, 120 और 120 में 150 जोड़ के यहां लिखेंगे, फिर 150 में 80 जोड़ के यहां, फिर 80 जो आएगा यहां पे उसमें जोड़कर यहां, इस तरीके से हम इसको सीएफ, इस तरीके से हम इसको क्यूमुलेटिव बनाएंगे, क्यूमुलेटिव सीएफएटी बनाएंगे, ठीक है।
ये आ गया क्यूमुलेटिव सीएफएटी। 120 ऐसे रखा, 120 में 150 जोड़ेंगे तो 270 होगा, 270 में फिर 80 जोड़ेंगे 350 आएगा, 350 में 200 जोड़ोगे तो 550, और 550 में 160 प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 710। ठीक है, क्यूमुलेटिव सीएफएटी बन गया। अब इसमें से ही हमें देखना है कि हमारा जो आउटफ्लो है, हमारा आउटफ्लो कितना था, आउटफ्लो कितना है 500 रुपये। तो हम 500 रुपये कब तक, यानी कि कितने सालों में रिकवर कर रहे हैं। देखिए सीएफएटी में देखना है, क्यूमुलेटिव वाले में इसमें नहीं देखना। ठीक है, क्यूमुलेटिव वाले में देखेंगे। क्यूमुलेटिव वाले में क्यों देख रहे हैं, ये देखिए बात, मैंने कहा था कि हम जितनी भी इनफ्लोज हैं उसको हम मानते हैं कि हमारी वो इवनली ड्यूरिंग द ईयर आती रहती है। इवनली ड्यूरिंग द ईयर आती है तो इसका मतलब पहले साल में 120 रुपये आए, दूसरे साल में 150 रुपये, तीसरे साल में 80 रुपये, और चौथे साल में 200 रुपये, और पांचवें साल में 160 रुपये। ये किसी भी टाइम में आ गए हैं, मतलब हर साल के जरूरी नहीं है कि अंत में आए हैं, इवनली ड्यूरिंग द ईयर अकर हुए हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव सीएफएटी में बनाते हैं। क्यूमुलेटिव सीएफएटी हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि पहले साल में हमने कितना रिकवर किया, 120 रुपये रिकवर किया। तो क्या अब हमने उतना पैसा रिकवर कर लिया जितना हमने लगाया था? नहीं रिकवर किया, 500 रुपये लगाया था, ये तो केवल 120 है। तो क्या दूसरे साल में 150 नहीं देखना, 270 देखना है, क्योंकि इसमें प्लस कर दिया हमने, 120 तो आ गए थे और माना कि अभी और कितने चाहिए थे हमें, उसमें से 270 मिल गए अब हमें। तो यानी कि 270 में पहले वाले 120 रुपये इंक्लूड है, तभी तो सीएफएटी बनाए क्यूमुलेटिव वाला, तभी तो हम इसको ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज हम ऐड ही नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? तो यानी कि दूसरे साल में हमने रिकवर किया 270 रुपये। तो क्या अब हमारा आउटफ्लो रिकवर हो गया सारा? नहीं, अभी भी नहीं हुआ, 500 रुपये रिकवर करने हैं और अभी तो केवल हमने 270 रिकवर किए हैं। तीसरे साल में 350 रिकवर किए, क्या अब रिकवर हो गया? नहीं, अभी भी नहीं हुआ। फोर्थ ईयर में हमने 550 रुपये रिकवर किए, क्या अब हो गया? हाँ हो गया, 500 रुपये रिकवर करने थे हमें, 550 कर लिए हमने, तो 50 रुपये एक्स्ट्रा ही कर लिए हैं। इसका मतलब जो हमारा आउटफ्लो है हमने कब तक रिकवर कर लिया, उसे 3 और 4 साल के बीच में रिकवर कर लिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फोर्थ ईयर में किया है, नहीं, तीसरे साल में तो 350 रुपये बन गए थे और चौथे साल में 550 रुपये बन गए, यानी कि 50 रुपये एक्स्ट्रा बन गए हैं ना। तो यानी कि इसके टाइम पीरियड के बीच में, यानी कि 3 और 4 साल के बीच में कहीं ना कहीं हमने 500 रुपये अपने पूरे रिकवर कर लिए। ठीक है, तो वो टाइम पीरियड हमें यहाँ दिखाना है, तो वो टाइम पीरियड ही हमें यहाँ निकालना है कि 3 और 4 के बीच में जो टाइम पीरियड था उसमें हमने अपने 500 रुपये रिकवर कर लिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है छोटा सा, ईयर प्लस अमाउंट येट टू बी रिकवर, अमाउंट येट टू बी रिकवर डिवाइडेड बाय इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। ओके, तो क्या फॉर्मूला है पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने का, इज इक्वल टू ईयर प्लस अमाउंट येट टू बी रिकवर एंड डिवाइडेड बाय इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो देखिए क्या कह रहा है ये, देखिए 3 साल तो हमें पूरे लग ही गए अपने 500 रुपये रिकवर करने के लिए, 3 साल तो पूरे लग ही गए हैं, तो ईयर की जगह यहाँ आ जाएगा 3 प्लस ऐसी अमाउंट येट टू बी रिकवर्ड, का मतलब है कि अभी और कितना पैसा हमें रिकवर करना है। जैसे 350 रुपये रिकवर कर चुके हैं, रिकवर कितना करना है 500 रुपये, तो कितना पैसा और बच गया रिकवर करने के लिए, कितना बच गया, 500 में से 350 घटाओगे ना, क्योंकि 500 रुपये हमें रिकवर करने हैं और 350 हम रिकवर कर चुके हैं, तो और कितना पैसा बच गया रिकवर करने के लिए, तो अमाउंट गेट टू बी रिकवर, तो कितना पैसा बच गया रिकवर करने के लिए, 150 रुपीज हमें अभी और रिकवर करने हैं, तो उसमें आएगा अमाउंट येट टू बी रिकवर्ड। अमाउंट येट टू बी रिकवर्ड का मतलब होता है कि कितना पैसा अभी और रिकवर करना, कितना पैसा अभी और रिकवर करना बाकी रह गया है। ठीक है, तो उसमें आएगा 150 रुपये। नेक्स्ट लिखा हुआ इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल का इनफ्लो क्या था, अगले साल का इनफ्लो क्या है, इनफ्लो ये देखना है, इनफ्लो ये देखना है, कौन सा इनफ्लो देखना है, सीएफएटी वाला या फिर क्यूमुलेटिव सीएफएटी वाला, इनफ्लो हमें ये वाला देखना है, इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। इनफ्लो क्या है नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 3 या 4,
तीन के बाद तो चार आता है, तो इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट डे कितना होगा? 200 रुपये। ठीक है, तो यानी कि हमें इनफ्लो देखना है ऑफ नेक्स्ट ईयर का, अगले साल का इनफ्लो। 350 रुपये हमने 3 साल तक तो हमने इंतजार ही किया था, कि 3 साल तक तो हमने पूरा पूरा इंतजार किया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे फोर्थ ईयर में 550 रुपये हो गए हैं, यानी कि 3 और 4 साल के बीच में कहीं ना कहीं हमने अपना आउटफ्लो पूरा का पूरा रिकवर कर लिया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे ईयर प्लस अमाउंट येट टू बी रिकवर डिवाइड बाय इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। अमाउंट येट टू बी रिकवर का मतलब है कि जो पैसा अभी हमें और रिकवर करना बाकी रह गया है, और इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर का जो इनफ्लो है हमें वो लिखना है। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, अब इसको सॉल्व करना है। इसको डिवाइड कर दो, जो भी आएगा इसमें प्लस कर दो, ये आएगा 0.75, और आप 0.75 को 3 में प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 3.75। ओके ओके, तो यानी कि 3.75 ईयर में हमने, इसका आंसर ईयर में आता है। ठीक है, ईयर में हमने अपना आउटफ्लो रिकवर कर लिया। क्लियर हुआ? इस तरीके से करने हैं हमें पेबैक मेथड के क्वेश्चन। बस हमें इसमें ये देखना है कि हम कितने टाइम में, कितने समय में, कितने पीरियड में अपना लगाया हुआ पैसा रिकवर कर लेते हैं, मतलब अपने इनफ्लो से अपना आउटफ्लो रिकवर कर लेते हैं। कब हमारी जो इनफ्लोज है वो हमारे आउटफ्लो को टाक देती है, मतलब ये एक लड़ाई है इनफ्लो वर्सेज और आउटफ्लो की। तो हम देखते हैं कि हमारी जो इनफ्लोज है वो कब हमारे आउटफ्लो को पटक कर उसके ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पेबैक मेथड के क्वेश्चन होने हैं। अभी मैंने बस आपको एक एग्जांपल समझाया था, वो भी अपने पास से। नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।